अयोध्या में इस बार की दिवाली का जश्न कई मायनों में खास है। पूरा देश अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। इसी बीच दिवाली पर देशवासियों की नजरें एक बार फिर अयोध्या पर टिक गई हैं। अयोध्या में भव्य दिवाली का जश्न सुर्खियां बटोर रहा है। हर किसी की जुबान पर श्री राम का नाम है। इस दिवाली के ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आना है और कहीं ना कहीं यहाँ जुटने वाले लोगों में उसकी भी प्रतीक्षा दिखाई दे रही है। फैसले की इंतजार है, एकदम शांति भी है, फैसला ही आएगा, बिल्कुल फैसले की प्रतीक्षा है, एकदम फैसले का एकदम इंतजार है, और मंदिर बने है। फैसला ही पता है, फैसला तो आ गया है। अयोध्या में दिवाली को लेकर लोग काफी उत्सुक हैं। राम की पैड़ी में जश्न की तैयारियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। हर किसी के मन में अयोध्या केस को लेकर सवाल है। साधु संत तो अयोध्या में डट गए हैं, वो फैसला सुनकर ही अयोध्या छोड़ेंगे। राम जन्मभूमि का रिजल्ट आने वाला है, हम लोग तो मान ये रहे हैं कि रिजल्ट बहुत सगुन बढ़िया आ रहा है। फैसला आने वाला, हम लोग बैठे हैं प्रतीक्षा में, जल्दी आ जाए श्री राम जी की कृपा हो जाए। हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा। इस वक्त अयोध्या का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। सरयू के किनारे राम भजन गाए जा रहे हैं। राम भक्त इस आस में है कि दिवाली के बाद राम मंदिर का वनवास खत्म हो जाए। ये अवध की नगरी है और अवध अयोध्या के सरयू के किनारे हम मौजूद हैं। सरयू के किनारे का ये दृश्य आप देख सकते हैं, जहां पर तैयारी है दीपोत्सव की और उसी के लिए इस किनारे को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। जब लाखों की तादाद में लोग यहां जुटेंगे दीपोत्सव में, उसकी ये तैयारी है। लेकिन जो अवध की पहचान है, यहाँ दूर दूर से लोग श्रद्धालु सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो अयोध्या को देख सकें। कहीं गीत कहीं भजन, यही इसकी पहचान है। हाल ही में गोरखपुर में राम कथा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर खलबली मचा दी थी कि जल्द ही यूपी को खुशखबरी मिलेगी। राम कथा के मौके पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान को राम मंदिर से जोड़कर देखा गया। मर्यादा के साथ, पूरे अनुशासन के साथ भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं से प्रेरणा प्राप्त करके न केवल अपने जीवन के लिए अपितु तो सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी अपना योगदान देंगे। हम सब का विश्वास है कि भगवान राम की इसी शक्ति ने, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हम लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी भी सुनने को प्राप्त होगी। दीपोत्सव के बहाने बीजेपी श्री राम के नाम को भी भुनाने में लगी है। फैजाबाद से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह का कहना है कि जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू होगा। इस बार विशेष प्रकार की दीपावली होगी, चूंकि राम जन्मभूमि के मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है और जल्द ही फैसला आने वाला है। आम आदमी को यह लगता है कि चूंकि सारे साक्ष्य हमारे पास हैं कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली वहीं पर है, इसलिए हमारे ही पक्ष में फैसला होगा, या आम आदमी को विश्वास है और जल्दी ही भव्य राम का मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। मौका और माहौल को देखते हुए उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी दिसंबर तक राम मंदिर बनने का दावा कर चुके हैं। जिस तरह से पुरातत्व विभाग ने अपने तथ्य उपस्थित किए हैं, सिया संप्रदाय के अध्यक्ष सिया बनकोट ने लिख के दिया है कि राम मंदिर बनना चाहिए, और चलते चलते सुन्नी बनकोट ने भी कह दिया
तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आएगा और 6 दिसंबर से पहले अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। दिवाली पर एक बार सबके जुबान पर राम का नाम है, सारी नजरें अयोध्या पर हैं।